नमस्कार सलाम आदाब दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका भाई एडवोकेट अजय पुनिया एक बार फिर पेश हूं आपके साथ। अब की बार मैंने क्या किया है कि आज उन स्टूडेंट्स को, उन मेरे भाई बहनों को फायदा होगा, बेनिफिट होगा, जो पीछे की जो जीके है, जैसे लास्ट 3-4-5 मंथ्स के जो मेन मेन क्वेश्चन है, आज आप टैली करना और उनको मिलाना। क्या आपकी नोटबुक में, आपके दिमाग के, आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन थे कितने, मुझे बताना आप। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ नए कुछ पुराने, लेकिन जीके करंट ही है। 1 से 1.5 साल तक 2 साल तक का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कभी आपको वहम हो कि आप डेली का पढ़ते हैं, 10 दिन का पढ़ते हैं, 1 महीने का पढ़ते हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। जीके क्या ब्रीथेबल सब्जेक्ट है। जीके सांस लेता है, हर पल हर दिन हर क्षण कुछ न कुछ नया ऐड होता ही रहता है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा सानिया मिर्जा। हाँ जी, सानिया मिर्जा को पुरस्कार दिया गया था। आज मैं पॉइंट टू पॉइंट ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा। अपनी कॉपी में उतारिए, इससे रिलेटेड और मैटर अगर आपको मिलता है उसमें ऐड कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सानिया मिर्जा, फेड कप हार्ट अवार्ड दिया गया था। सब जानते हैं टेनिस खिलाड़ी है, हैदराबाद से संबंधित है, शोएब मलिक की पत्नी है। शोएब मलिक से भी क्वेश्चन बनता है, शोएब मलिक को बताओ अभी 2020 में या वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नया कारनामा उसने किया, कोई रिकॉर्ड उसके नाम हुआ है क्या, तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट अवार्ड मिला है एशिया ओशियाना क्षेत्र का। अब कई दोस्त सोच रहे हैं ओशियाना में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, तंजानिया भी शामिल है, न्यूजीलैंड भी शामिल है। तो अब मुझे बताइएगा आप, सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट अवार्ड मिला है हमारे एशिया ओशियाना क्षेत्र का, तो अन्य किस खिलाड़ी के साथ, तो अन्य खिलाड़ी कौन है जिसको सानिया मिर्जा के साथ फेड कप हार्ट अवार्ड मिला है। एक क्वेश्चन कंप्लीट, लेकिन आप इसके अंदर और ऐड करेंगे। फिर अजी गोल, GOAL गोल क्या है, गोइंग ऑन लाइन एंड लीडर्स, फुल फॉर्म क्या है, गोइंग ऑन लाइन एंड लीडर्स है। आदिवासी जो युवा है, आदिवासी युवाओं के कल्याण के लिए डिजिटल कार्यक्रम है, आदिवासी युवाओं के कल्याण के लिए डिजिटल कार्यक्रम है गोल, गोइंग ऑनलाइन एंड लीडर्स। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। फिर जी जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई हाँ जी, भूतपूर्व जस्टिस थी, और मैंने लिखा परिसीमन आयोग। तो अभी क्या है, जनजातीय जो इलाके हैं और जम्मू कश्मीर है उसके लिए क्या है, एक नई परिसीमा, नए लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण किया जा रहा है, तो उसका अध्यक्ष बनाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आज सारे के सारे, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल नहीं है, एक एक क्वेश्चन एक एक लाख के बराबर है। तो जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई जो नया परिसीमन आयोग है बनाया गया है उसका अध्यक्ष। अब मुझे ये बताइए भारत में अब से पहले पिछला जो परिसीमन आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, कुलदीप चौधरी जी थे या डॉक्टर कुलदीप थे, कुछ नाम मेरा गलत है या ठीक है कॉमेंट बॉक्स में बताइए। और यहां से आप क्वेश्चन ढूंढिए कि परिसीमन आयोग भारत में अब ये चौथी बार बनाया गया है, तीसरी बार, इससे पहले 1, 2, 3 बार बनाया गया है कि ये चौथी बार बनाया है, कुछ ऐसा भी है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत वाइड तरीके से पढ़ के जाना दोस्तों। फिर है जी दूति चंद, रेसर है, दावी का है, हरियाणा के, तो मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये आता था, दूति चंद कौन है, एक रेसर है, दावी का है। तो दूति चंद को मिला है चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार, चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार दूति चंद, याद रखोगे। इसके ब्रैकेट में लिख लो हिमा दास ने 1 महीने के अंदर ही 5 विश्व चैंपियन में गोल्ड मेडल जीते थे। हाँ जी, डिंग एक्सप्रेस असम की हिमा दास, कोविड के लिए भी उन्होंने अपनी सैलरी दान की थी, तो हिमा दास को पढ़ के जाइए इसके साथ साथ। फिर जी धोलावीरा पता है आपको, जब हड़प्पा सभ्यता की बात चलती है तो मोहन जोदड़ो, धोलावीरा, हड़प्पा, ये सब है ना, तो धोलावीरा और दिल्ली संतलत जो स्मारक है, संतलत काल है ना, तो दोनों को ही वैश्विक धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है नया, बिल्कुल याद रखेंगे आप। फिर जी टाइगर वुड्स गोल्फ के खिलाड़ी हैं, मशहूर अमेरिका के हैं, इनको हॉल ऑफ द फेम सूची में शामिल कर दिया गया है 2021 की, हॉल ऑफ द फेम सूची, वर्ल्ड के जो बेस्ट टॉप प्लेयर होते हैं ना, जो इन्होंने अच्छे अच्छे कारनामे करे होते हैं ना स्पोर्ट्स के, उसमें नजरिए से बता रहा हूं आपको मैं,
तो क्या है हॉल ऑफ फेम सूची में टाइगर वुड्स यूएसए गोल्फ के खिलाड़ी हैं, गोल्फ के खिलाड़ी हैं, गोल्फ के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है जी, रणदीप हुड्डा हमारा रोहतक का छोरा, बढ़िया हीरो रणदीप हुड्डा, बढ़िया मस्त वाला। तो इनको जो तैरती हुई नई प्रजातियां जितनी भी पानी वाटर सी के अंदर समुद्र के अंदर नदियों में जो नई तैरती हुई प्रजातियां मिलती है ना, तो उनका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हुड्डा साहब को। बड़ा नेक दिल इंसान है रणदीप हुड्डा, तैरती हुई प्रजातियों के नए ब्रांड एम्बेसडर, हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में आ सकता है। फिर आदित्य राज इन्होंने क्या किया, प्रथम भारतीय जिन्होंने वर्ल्ड मैराथन चैलेंज पूरा की है 2020 में, वर्ल्ड मैराथन दौड़ है ना उसको पूरा करने वाले प्रथम भारतीय हैं, आई रिपीट प्रथम भारतीय हैं आदित्य राज। फिर जी विमल जुल्का कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त है, सूचना का अधिकार 2005 है ना, तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भारत के, विमल जुल्का जी, याद रखोगे आप। फिर जी जादव पायेंग जी हैं, इनको स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार मिला है, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार किसको मिला है, जादव पायेंग को। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक भी बात छोड़ देना, मैं तो कहता हूँ खूब सारा पढ़ के जाओ, हो सकता है इनमें से आए, और मैं तो कहता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने चाहिए, आएंगे। तो जब विवेकानंद जी की बात चलती है तो क्या याद आता है, ये कर्म योग किताब का ही नाम है, कर्म योग राजयोग ज्ञान योग तीन किताब है विवेकानंद की, नरेंद्र दत्त इनका नाम था, विवेकानंद उपाधि इनको खेतड़ी के राजा चूरू ना सॉरी झंझर क्या नाम है उसका झुंझुनू सॉरी झुंझुनू झुंझुनू के अंदर खेतड़ी कॉपर माइंस है ना, तांबा नगरी बोलते हैं, वहां के राजा अजीत सिंह ने इनको विवेकानंद की उपाधि दी थी। विवेकानंद ने वेलूर मठ की स्थापना की थी। विवेकानंद के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और इनके नाम से पुरस्कार दिया गया है जादव पायेंग को। फिर अजीत प्रथम डिजिटल बैंक इजराइल स्थापित कर रहा है, TCS लिखा मैंने, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारत की सबसे बड़ी टॉप बॉटम रुपए पैसे में सबसे, अभी इसके बहुत सारे जीके क्वेश्चन आपने पढ़े थे, रिलायंस कंपनी को पछाड़कर भारत की सबसे बड़ी मार्केट कैप कंपनी कौन सी बनी थी, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सहयोग से इजराइल, ये भारत की कंपनी है जो इजराइल को सहयोग कर रही है इजराइल का प्रथम डिजिटल बैंक स्थापित करने में, याद रखोगे आप। और इजराइल यरूशलम राजधानी हो गई है ना, बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा यहाँ पे प्रधानमंत्री बन गए हैं है ना, और क्या है अरबी भाषा है क्या, हिब्रू भाषा इसराइल ने बना दी, प्रथम यहूदी राष्ट्र भी घोषित कर दिया इसराइल ने अपने आप को। और इसराइल अभी क्या कर रहा है याद रखोगे, इसराइल सूडान के साथ, बहरीन के साथ, और मैंने क्या बताया था, बहरीन सूडान और यूएई के साथ अपने संबंधों को सुधार लिया है इसराइल ने, याद रखोगे। और फिर क्या है, और माई बुक माई फ्रेंड ये किताब जारी की है, माई बुक माई फ्रेंड हमारे भारत के मानव संसाधन मंत्रालय ने, याद रखोगे माई बुक माई फ्रेंड, कब 23 अप्रैल 2020 को, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस भी आता है। तो अब मुझे ये बताइए, विश्व पुस्तक शहर यूनेस्को हर साल ना एक शहर को वहां पर विश्व पुस्तक शहर के रूप में, सिटी के रूप में घोषित करता है, तो आप मुझे बताइए वर्तमान में 2020 में कौन से शहर को यूनेस्को ने विश्व पुस्तक शहर घोषित किया है, और बुक का नाम मैंने आपको बता दिया है, और जब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम आता है तो आपको रमेश कुमार और पोखरियान निशंक जी हैं क्या मानव संसाधन मंत्री, हाँ जी वो निशंक जी, रमेश कुमार जी जो है ना वो भारत के शिक्षा मंत्री भी, क्योंकि शिक्षा मानव संसाधन मंत्रालय का ही विषय है, ये क्वेश्चन हो गए। अब मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, चेचक रोग होता था मुंह पे डॉट्स, तो चेचक के उन्मूलन के ऊपर यूएनओ ने डाक टिकट जारी किया है, WHO ने डाक टिकट चेचक रोग के ऊपर। अब मुझे बताइए चेचक रोग किस से होता है, कवक से, बैक्टीरिया से, विषाणु से, जीवाणु से, और उसका नाम। फिर जी मैसेंजर रूम बना दिया फेसबुक ने मैसेंजर रूम बनाया, याद रखोगे। और फेसबुक का अगर एशिया में फेसबुक का अगर एशिया में कार्यालय पूछे तो कहां पर है, सिंगापुर, याद रखोगे। वैसे तो अमेरिका में इसका कार्यालय हेड ऑफिस, तो अगर एशिया में पूछे तो सिंगापुर में, और सिंगापुर सिटी स्मार्ट सिटी में पहले नंबर पे आई थी, आपको बताया था मैंने, याद रखोगे। और 85 नंबर पे कौन सा शहर था, जहां की सानिया मिर्जा है, 85 नंबर पे 85वां शहर कौन सा बताया था मैंने आपको, हाँ जी भारत का उस सूची में 85 नंबर पे है हैदराबाद, स्मार्ट सिटी इंडेक्स के अंदर पहले नंबर पे है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की राजधानी। मैं बात कर रहा हूँ दिया मिर्जा की, बहुत अच्छी हीरोइन है दिया मिर्जा,
यूनाइटेड नेशन ई से है एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का इनको 2022 तक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट मैंने हराना, प्लास्टिक पोल्यूशन प्लास्टिक के प्रदूषण को हराने का एक अभियान है। बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन 2022 तक यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया दिया मिर्जा को, अधीरंजन चौधरी, हाँ जी बहरामपुर से हैं अधीरंजन चौधरी जी, पश्चिम बंगाल कोलकाता के नजदीक हैं अधीरंजन चौधरी को। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। क्या लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं? क्या लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं? मुझे बताइए मैंने सही बताया या गलत। तो ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हो गए। अंबुबाची मेला स्थगित कर दिया गया। आप ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, कामाख्या, कामाख्या देवी का मंदिर कहां पर है? असोम, असोम के अंदर। इसको की बात रद्द कर दिया गया कोविड के कारण। प्रसिद्ध मेला है, एग्जाम में आ सकता है, अंबुबाची मेला, कामाख्या देवी का मंदिर असम, जिसको आप कामदेव, कामरूप और प्राग ज्योतिषपुर अहोम वंश के राजाओं का शासन था असम के अंदर। सर्वानंद सोनोवाल जिसके मुख्यमंत्री, जिनको क्या मिला था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार मिला था। तो असम ने मदरसों को भी बंद कर दिया है, मदरसे जो मुस्लिम शिक्षा दी जाती है बच्चों को, तालीम हासिल करते हैं, तो मदरसों पर रोक लगाने वाला भारत का प्रथम राज्य भी असम है। देखो मुझे क्वेश्चंस पे क्वेश्चन याद आ रहे हैं। जल जीवन अभियान JJM अभियान की जगह मिशन भी हो सकता है। आपको बताया था ना जल जीवन मिशन है ना, महात्मा गांधी की 151वीं जयंती 2 अक्टूबर को 100 केंद्रों पर जल जीवन को, जल की संरक्षण को, जल के उपाय बचाने के उपाय बताए जाएंगे। तो जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त घोषणा कब की गई इसकी? 15 अगस्त 2019 से शुरू है जल जीवन मिशन। हर घर जल, हर घर नल, पहला राज्य कौन सा है? गोवा। और 2022 तक हरियाणा भी इस लक्ष्य को हासिल करेगा। पीछे वाली वीडियो देखते रहो, मैंने काफी समय पहले बताया इसके बारे में पूरी डिटेल। फिर जी पीएस तिरुपति यह यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के नए स्थाई प्रतिनिधि नियुक्त हो गए हैं। पीएस तिरुपति मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सैयद अकबरुद्दीन पढ़ते हो आप, उनकी जगह अब पीएस तिरुपति जी को यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पे हूं मैं, राय कृष्णदेव राय आपको पता है ना, हम्पी विजयनगर 1336 हरिहर बुक्का ने स्थापित किया ना। तो याद रखो कि तुंगभद्रा नदी है वहां पर, हजार राम मंदिर भी है, पंपा देवी का मंदिर भी है, विजयनगर साम्राज्य याद रखोगे तो। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, राय कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर, लेखक कौन है? श्रीनिवास रेड्डी। आप याद रखोगे इस क्वेश्चन को। और किसी नोट के ऊपर भी कोई हम्पी का रथ मंदिर आया है क्या? हम्पी का प्रसिद्ध रथ मंदिर है। और जब हम्पी की बात आती है तो मुझे क्या कौन याद आता है? कनिंगम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता प्रथम अध्यक्ष कनिंगम, हम्पी याद रखोगे, कृष्णदेव राय, तुंगभद्रा नदी 1509 से 1529 गद्दी के ऊपर बैठे थे, कृष्णदेव राय याद रखोगे। और फिर जी टेराकोटा की आप क्या पढ़ते हो? ईंट कलाकृतियां, रंग पेंट है ना। तो टेराकोटा कागा प्रसिद्ध याद रखोगे कलाकृति, गोरखपुर, हाँ जी, जहां से कौन चुनाव लड़ता है? योगी जी, याद रखो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तो गोरखपुर की टेराकोटा कलाकृति को जीआई टैग, भौगोलिक संकेत तक जीआई टैग मिल चुका है, याद रखोगे। इसी के साथ आप बताओ मैं आपको अगला क्वेश्चन है जी, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर बन रही है। अब मुझे बताइए किस राज्य में पोलावरम योजना, गोदावरी नदी किस राज्य में? तो फिर है जी चकहाओ, ये क्वेश्चन काफी आया था। चकहाओ भी चावल की एक किस्म है, चकहाओ चावल की किस्म है, इसको भी जीआई टैग मिला है। मणिपुर से क्वेश्चन आ रहा है, ये मणिपुर का जीआई टैग के दो क्वेश्चन आपके पास आज। टेराकोटा कलाकृति पढ़ चुके हो आप, चकहाओ भी आप पढ़ चुके हैं, याद रखोगे। फिर जी 24 क्वेश्चन पे है जी, वंदे भारत मिशन है ना, जो विदेशों में पड़े जो हमारे फंसे हुए लोग बेचारे कोविड की वजह से, उनको हवाई मार्ग द्वारा भारत में सुरक्षित लाने का एक मिशन चलाया है वंदे भारत। और खास बात इसकी सबसे बड़ी बात कौन सी है? जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी, चीन का वुहान शहर,
में भी हमारा वंदे भारत मिशन अपने एरोप्लेन लेके जाएगा और वहां पर हमारे फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन से शहर में जाएगा? वुहान। वंदे भारत मिशन कोरोना के कारण दोस्तों ये 24 क्वेश्चन थे, थोड़ा सा टाइम लिया है, मैं लंबी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं, मुझे पता है कि नहीं तो आपके पास देखने का टाइम है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इग्नोर करते हो, अनदेखा करते हो, कोई खास बात नहीं। मेरा काम है कर्म करना और मेरा काम है आपको मेहनत सिखाना और ईमानदारी से आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं और चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इसको शेयर करो और उन भाई बहनों तक इसको पहुंचा दो जो दूर देहात गांव में बैठे हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है महंगी महंगी कोचिंग्स का, हॉस्टल का, वो गरीब माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दे। और नीचे अगर इसमें वीडियो देखोगे तो उस पर आपको नंबर भी मिलेगा मेरा। अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर आप अपनी कोई एडवाइस मुझे देना चाहते हो, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है जिस पर आप वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप एक मैसेज छोड़ सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलता हूं जल्दी ही नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।